Hello and welcome back to my YouTube channel Cricknest. So 2 weeks before IPL takes place after the auctions has been done, everyone is wild guessing ki is baar ki IPL yani ki IPL 2022 mein kaun si team jhande gaadne wali hai, playing 11 kya hogi, is baar sare hi teams ki opening kaun karega. So today in this video aapki yahi sari doubts hum clear karenge. We'll talk about two teams and their best playing 11. So let's get started, but before that hamare channel ko subscribe karna na bhule aur bell icon ko press जरूर से जरूर कर दें। सो आज हम दो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स की बात करने वाले हैं, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। नाउ स्टार्टिंग विद दिस स्टैट्स, सो चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 12 सीजन खेले हैं, 4 सीजन में इनकी जीत हासिल हुई है, टोटल 117 मैचेस जीते हैं इन्होंने। वहीं मुंबई इंडियंस की बात करें तो शुरुआत से ये टीम खेलती आ रही है, 14 सीजन खेले हैं इन्होंने, 5 सीजन में खिताब अपने नाम की है, 125 मैचेस टोटल जीती है इन्होंने। अब हेड टू हेड की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच टोटल 32 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें 19 मैचेस में मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल की है, वहीं 13 में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत हासिल की है। नाउ प्लेइंग 11 की बात करें तो पहली मैच में मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 हो सकती है रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, किरण पोलार्ड, ईशान किशन, फैबियन एलन, डैनियल सैम्स, रिले मेरेडिथ, जयदेव उनादकत, मुरुगन अश्विन। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो पहली मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 हो सकती है ऋतुराज गायकवाड़, रॉबिन उथप्पा, मोइन अली, अंबाती रायडू, शिवम दुबे, MS धोनी, रविंद्र जडेजा, दीपक चहर, ड्वेन ब्रावो, ड्वेन प्रिटोरियस और महेश तिशकाना। नाउ कमिंग बैक ऑन चेन्नई सुपर किंग्स, अगर हम बात करें कि इस टीम से ओपनिंग कौन कर सकता है, सो ऋतुराज गायकवाड़ राइट हैंडेड बैट्समैन है, पिछली मैच यानी कि 2021 के आईपीएल में इन्होंने टोटल 16 गेम्स में 636 रन्स बनाए थे, सो ये डेफिनेटली मैच ओपनिंग कर सकते हैं। इनके अलावा इनके साथ रॉबिन उथप्पा, जिन्होंने टोटल 4 गेम्स खेले हैं 2021 में और 115 रन्स मारे हैं एट एन एवरेज ऑफ 28.75, सो इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ये दोनों ही मैच ओपनिंग कर सकते हैं। नाउ मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स की बात करें तो अंबाती रायडू ने 2021 के आईपीएल में 16 गेम्स में 257 रन्स मारे थे एट एन एवरेज ऑफ 28.55। इनके अलावा शिवम दुबे नंबर 4 प्लेयर, 9 गेम्स में 230 रन्स बनाए थे, काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, एवरेज 28.75 की है इनकी। ऑल्सो ही इज एन ओकेजनल मीडियम पेसर, सो मिडिल ऑर्डर प्लेयर यानी कि नंबर 4 पे शिवम दुबे खेल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे धोनी यानी कि कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, 114 रन इन जस्ट 11 इनिंग्स, जडेजा इनके साथ 227 रन इन 12 इनिंग्स, एवरेज है जडेजा की 75.6 की। इनके अलावा जडेजा ने 13 विकेट्स भी लिए हैं 2021 में, सो मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स में धोनी और जडेजा जैसे कुछ प्लेयर्स भी हैं। अब बॉलर्स की बात करें तो दीपक चहर स्टार ऑफ द मैच, 14 विकेट इन 15 गेम्स, एवरेज है इनकी 32.21, काफ़ी अच्छे बॉलर और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है चेन्नई सुपर किंग्स के। इनके अलावा ड्वेन ब्रावो 14 विकेट्स इन 11 गेम्स इन 2021 आईपीएल, एवरेज 18.78 है इनकी, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए और काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियली प्रॉफिटेबल हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ड्वेन ब्रावो का खेलना। इनके अलावा ड्वेन प्रिटोरियस डेब्यूटेंट इन आईपीएल, 16 विकेट्स ले चुके हैं T20 में, सो लेट्स सी कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं फर्स्ट मैच में यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के आने वाले कुछ मैचेस में। ऑलराउंडर की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से मिशेल सैंटर ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, 6 विकेट ले चुके हैं 6 आईपीएल गेम्स में। नाउ ये तो थी चेन्नई सुपर किंग्स की बात। कमिंग ऑन मुंबई इंडियंस, तो मुंबई इंडियंस की तरफ से ओपनिंग मैच कर सकते हैं रोहित शर्मा, डेफिनेटली हमेशा से यही करते आ रहे हैं, 13 गेम्स में 381 रन्स मारे हैं इन्होंने। इनके अलावा ईशान किशन हाईएस्ट बिडर ऑफ 2022 ऑक्शन, 241 रन्स इन 10 मैचेस, एवरेज ईशान किशन की 26.77 है, सो ये दोनों प्लेयर्स हैं जो ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स की बात करें तो फैबियन एलन 3 ही मैचेस खेला है आईपीएल में, डेब्यू किया है पिछले साल, बट काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, सो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकते हैं मुंबई इंडियंस के लिए। इनके अलावा सूर्य कुमार यादव नंबर 4 प्लेयर, 317 रन्स इन 14 गेम्स इन 2021 आईपीएल, एवरेज है इनकी 28.75 की, कैन बी अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ मुंबई इंडियंस। इनके अलावा डैनियल सैम्स अकाउंट्स फॉर 3 रन्स इन 1 विकेट इन 5 गेम्स, ऑल्सो हैज़ बिन अ मेंबर ऑफ RCB फॉर लास्ट 2 सीजन्स, बट इस साल ये मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं।
ऑलराउंडर्स की बात करें तो किरण पोलार्ड 245 रन्स इन जस्ट 13 इनिंग्स, एवरेज है इनकी 30.62, 5 विकेट ले चुके हैं। ये मुंबई इंडियंस के काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है किरण पोलार्ड। बॉलर्स की बात करें तो रिलर मेरेडिथ 4 विकेट लिए हैं 5 गेम्स में 2021 में। पिछले साल ये किंग्स 11 पंजाब के पार्ट थे, इस साल ये मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे हैं। इनके अलावा जयदेव उनादकत ने 4 विकेट लिए हैं 6 मैचेस में। बुमराह सेकेंड बेस्ट बॉलर of the world, 21 wickets in 14 matches and also a very strong lead for Mumbai Indians. So, dekhna interesting rahega ki opening match mein Mumbai Indians aur Chennai Super Kings kaisa perform karte hain with their playing 11. Now, prediction ki baat kare to dono hi teams se compare karte hue agar main bolu to Chennai Super Kings ki mujhe zyada strong lag rahi hai, jeetne ki bhi zyada chances lag rahe hain inke. So, this was all about their playing 11 and their openings and middle order players and bowlers and all rounders. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूले कि आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, कौन सी टीम इस बार की ओपनिंग मैच में जीत सकती है, कौन सी टीम खेलेगी और आपके अकॉर्डिंग बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और हमारे साथ जुड़े रहें और भी ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए।